हेलो एवरीवन, व्यापम का जनरल इंग्लिश के जो प्रीवियस पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, इसका ये नेक्स्ट पार्ट होगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करें, अगर नहीं अच्छे लग रहे हैं तो डिसलाइक कर दें, ठीक है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखिए, अब इस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, वॉच टाइम बहुत ज्यादा कम आ रहा है, आप लोग नहीं देख रहे हैं। इसका मैं ये सेंस निकाल रहा हूं कि आपको ये सीरीज पसंद नहीं आ रही है, तो मैं सोच रहा हूं इस सीरीज को क्लोज कर दूं, एक दो पार्ट्स और मैं इसके बनाऊंगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी पेपर्स डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और सीरीज पर देखिए, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें इसको आगे ले जाना है या नहीं लेके जाना है। इसलिए प्लीज अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसके अलावा इंग्लिश के कुछ और पार्ट्स मैं अभी स्टार्ट करूंगा, जिसमें जैसे आपका माइट का यूज हो गया, या आपके जो कैन का यूज हो गया, कुड का यूज हो गया, ये कुछ पार्ट्स मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगा जल्द ही। और जब तक ये सीरीज आप देखें, बहुत सारे मेरे ख्याल से 12-13 पार्ट्स मैं इसके बना चुका हूं, वो 12-13 पार्ट्स मेरे ख्याल से सफिशियंट हैं शायद, अगर आपको लगता है तो मतलब लगता है कि सफिशियंट है तो ठीक है, इट्स ओके। और अगर आपको लगता है सफिशियंट नहीं है, मैं और बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और रिस्पॉन्स अगर आप नहीं करेंगे तो देखिए, फिर सीरीज में मुझे भी आगे मजा नहीं आएगा काम करने में, ठीक है। तो ये है, चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। देखिए, यू कैन ट्रस्ट माई ड्राइवर, मतलब आप मेरे ड्राइवर पे विश्वास कर सकते हैं। ही इज हार्ड वर्किंग, वो मेहनती है। एंड डैश, देखिए, कंसीडरेट, तो कंसीडरेट नहीं आएगा, जेंटल जेंटल आ सकता है, लेकिन देखिए जेंटल एक्चुअली क्या है, यहां पे बेस्ट ऑप्शन अपने को चूज करना होता है, ठीक है। जैसे आपका रिलायबल है, रिलायबल मतलब क्या होता है, रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक है। तो यहां पे आएगा आपका रिलायबल, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ क्या है, विश्वसनीय भी है, तभी तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो जेंटल यहां पे नहीं आएगा। ऐसी काइंड है आपका, काइंड भी, काइंड मतलब क्या होता है, दयालु, तो दयालु होने से क्या होगा, ड्राइवर, ठीक है। तो ये आएगा आपका रिलायबल, रिलायबल इज द बेस्ट एंड राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, चूज द, अच्छा एक दोस्तों एक चीज और है, व्यापम गुरुजी जो हमारा चैनल है उसकी जो स्पेलिंग है वो है GURUJI, ठीक है। इसको आप ऐसे सर्च ना करें, अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो आप इसको सर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डबल ओ नहीं है उसमें, GURUJI है, ठीक है। तो ऐसे सर्च करेंगे तो इस पे जो व्यापम एग्जाम का जो क्रैश कोर्स है वो दिया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं कोशिश करूंगा 3-4 वीडियोज उसमें और अपलोड करने की, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत पास आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू गैस व्हाट हर डैश टू द न्यूज वुड बी, मतलब ये गैस करना मुश्किल है कि व्हाट हर, कि उसका न्यूज के लिए क्या, किस चीज की बात करी जा रही है। अगर हम एक्सप्रेशंस की बात करें तो न्यूज के लिए कोई एक्सप्रेशंस क्यों देगा, ठीक है, एक्सप्रेशंस की बात नहीं होगी। बेस्ट ऑप्शन अपने को चूज करना है, इंटेंशन, तो इंटेंशन की कोई बात नहीं होगी। हाँ, रिएक्शन यहां पे हो सकता है, व्हाट रिएक्शन, जैसे कोई बुरी खबर बंदा सुनेगा तो एक्सप्रेशन थोड़ी देगा, उसका रिएक्शन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट हर रिएक्शन टू द न्यूज वुड बी, तो यहां पे आएगा रिएक्शन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट इज टेरिबल, टेरिबल मतलब होता है कुछ बहुत बुरा, कुछ भयानक, भयानक टाइप से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब इट इज टेरिबल दैट पीपल शुड डाई ऑफ, मतलब पीपल कैसे मरे, कैसे मरने चाहिए, स्टार्वेशन, हाँ ये करेक्ट हो सकता है। फास्टिंग, फास्टिंग मतलब क्या हुआ, कोई व्रत रख रहा है, फास्टिंग मतलब होता है व्रत रखना, ठीक है। स्टार्विंग मतलब होता है भूखों मरना, लेकिन ये क्या है आपका, वर्ब है, ठीक है। हंगरी, हंगर शुड डाई ऑफ, हंगरी नहीं हो सकता, हंगर हो सकता है, हो सकता था, लेकिन यहां पर बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, स्टार्वेशन, पीपल शुड डाई ऑफ स्टारवेशन, कि ये बहुत भयानक है क्योंकि लोग भूखों मरे, ठीक है ना। तो स्टारवेशन यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। ही डिडंट नो, वो नहीं जानता था, एनी वन एट द वेडिंग, वो किसी को शादी में नहीं जानता था, डैश देन द ब्राइड एंड द ग्रूम, मतलब दूल्हा और दुल्हन के अलावा वो शादी में किसी को नहीं जानता था। अब देखिए यहां पे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट अगर मैं यहां पे लगाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे देन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट द ब्राइड एंड द ग्रूम, ब्राइड एंड द ग्रूम, तो यहां पे एक्सेप्ट आ सकता था कि वो इनके अलावा वहां किसी को नहीं जानता था। रादर देन, रादर देन यहां नहीं आ सकता था, रादर का यूज मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन के वीडियो में, यहां पे नहीं होता है। अपार्ट, अपार्ट आ सकता है, लेकिन अपार्ट के साथ आएगा अपार्ट फ्रॉम द ब्राइड एंड द ग्रूम,
ठीक है, अदर अदर यहां पे आ सकता है, अदर देन द ब्राइड एंड द ग्रूम, ठीक है, तो देन लगने के कारण यहां पे क्या आएगा, अदर आएगा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस. तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहां पे हमें यूज करना है, ये चार दी हुई हैं, देखिए, आई डैश हैव गोन इफ माई कार हैड 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 बीन इन अ वर्किंग कंडीशन. मतलब एक किसमें लेके जाके चले गए हम इसको, हम इसको लेके चले गए पास्ट में. तो यहां से हमें समझ में आना चाहिए कि मे कैन और मस्ट, ये तीनों मस्ट है, तो मस्ट का तो सेंस ही कुछ और निकलता है. मस्ट का क्या सेंस निकलता है, चाहिए. आपको पता होगा कि जो शुड है और जो मस्ट है, ठीक है, तो इन दोनों का क्या डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में. देखिए, शुड जो होता है वो बस हम नॉर्मल किसी से बात कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तब हम शुड का यूज करते हैं. जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि अब आप 18 साल के हो चुके हैं, अब आपको कार चलानी चाहिए, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तो वहां पे शुड यूज होगा. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप 18 साल के, अभी आप 18 साल के नहीं है, आपको कार नहीं चलानी चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, हम फिर मस्ट का यूज करेंगे. ठीक है, क्योंकि यहां पे एक लॉ ब्रेकिंग की कंडीशन आ रही है कि 18 साल से अगर आप कम उम्र के हैं तो आप लॉ तोड़ रहे हैं, समझ गए ना. तो आपको लॉ नहीं तोड़ना, मतलब जब भी जोर दे के बात करी जाती तब हम मस्ट का यूज करते हैं. ठीक है, इस तरीके से इसका यूज होता है. दूसरा, मे और कैन, ये दोनों प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं. दूसरी चीज, कुड का जो पास्ट है, कैन का जो पास्ट है वो कुड होता है, मे का जो पास्ट है वो माइट होता है. तो यहां पे क्या यूज होगा, माइट यूज होगा. आई माइट हैव गोन इफ माय कार हैड बीन इन अ वर्किंग कंडीशन. तो इनके अभी दो तीन वीडियोस में बनाने जा रहा हूं, जिनमें आपको माइट के, मे के, कैन के, कुड के, इनके उपयोग में आपको बताऊंगा. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में बनाऊं तो कमेंट करके आप जरूर बताएं मुझे. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस. तो यह टेंस की बात चल रही है यहां पे. आई डैश ऑल माई वर्क सो आई एम फ्री अंटिल मंडे. इसको देखें, दो सेंटेंस है, सो आई एम फ्री अंटिल मंडे, मतलब मैं सोमवार तक फ्री हूं. मतलब क्या हुआ, मैं सोमवार तक फ्री हूं, इसका मतलब आई हैव फिनिश्ड ऑल माई वर्क, या यहां पे क्या है, डन, आई हैव डन ऑल माई वर्क, मतलब मैं अपना काम कर चुका हूं. आई हैव डन ऑल माई वर्क, अपना सभी काम, अपना सारा काम कर चुका हूं, सो आई एम फ्री अंटिल मंडे. तो यहां पर क्या आएगा, हैव डन. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस. तो यहां पे अभी करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस यूज करना है अपने को. ही डैस हियर इन 1955. यहां पे 1955 की बात चल रही है भैया, तो ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया फिर से हमारा पास्ट. ठीक है, अब पास्ट में आ गया. अब देख लीजिए, हैज बीन वर्किंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. नहीं होगा, वर्कड पास्ट, इज वर्किंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, वर्क्स मतलब प्रेजेंट. ठीक है, तो ये तीन प्रेजेंट में, एक पास्ट में है. तो यहां पे 1955 की बात चल रही है, तो ही वर्कड हेयर इन 1955, मतलब वो 1955 में यहां काम करता था, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस. तो ये भी टेंस है आपका. देखिए, टेंस के तीन से चार क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं. नेक्स्ट है, आई एम सॉरी अबाउट दिस नॉइज यू हियर. मतलब आप जो शोर सुन रहे हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं. She dash for a concert. She practices for a concert. वो concert के लिए practice करती है. ठीक है, She is practicing for a concert. मतलब वो वह है concert के लिए practice कर रही है. So I am sorry about this noise you hear. तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा. She has practiced for a concert. मतलब वो concert के लिए practice कर चुकी है. मतलब कर चुकी है, तो फिर भैया नॉइज नहीं आना चाहिए ना. ठीक है, तो नॉइज नहीं आएगा तो वो सॉरी भी नहीं बोलना पड़ेगा, तो ये तो होगा नहीं. ठीक है, फिर क्या है, वुड प्रैक्टिस, शी वुड प्रैक्टिस फॉर अ कंसर्ट. ये तो देखिए हम फ्यूचर में लेके चलेगा इस बात को, जो फ्यूचर में है तो यहां पे भी कुछ फ्यूचर जैसा होना चाहिए था, तो इस सेंटेंस में तो कुछ भी नहीं है फ्यूचर जैसा. ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, शी इज प्रैक्टिसिंग फॉर अ कंसर्ट, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस. टू लुक स्मार्टर व्यू बियर योर डैश ड्रेस. मतलब स्मार्टर बनने के लिए, टू लुक स्मार्टर, टू स्मार्ट दिखने के लिए, और स्मार्ट दिखने के लिए, वियर योर डैश ड्रेस. कौन सी, व्हाइट न्यू कॉटन. अब देखिए यहां पे वो कह रहा है व्हाइट न्यू कॉटन ड्रेस. कॉटन ड्रेस तो चलो ठीक है बनता है, लेकिन व्हाइट न्यू की जगह अगर मैं कर दूं, न्यू व्हाइट कॉटन ड्रेस,
तो ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है, बेटर लग ही नहीं रहा, ये सही भी है, ठीक है। मतलब वियर योर न्यू व्हाइट कॉटन ड्रेस, मतलब नई सफेद कॉटन की ड्रेस पहनो, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए व्हाइट कॉटन न्यू ड्रेस, तो व्हाइट कॉटन न्यू ड्रेस तो आएगा ही नहीं, कॉटन व्हाइट न्यू ड्रेस तो ये तो आएगा ही नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं आ रहे हैं, ये भी नहीं आ पा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस, तो यहां पे भी डिटरमाइनर अपने को यूज करना है, तो ही इज वेरी डिमांडिंग, मतलब उसकी बहुत ज्यादा मांग है, ही इज वेरी डिमांडिंग। आई हैव डेस पेशेंस लेफ्ट, मतलब पेशेंस मतलब क्या होता है, स्पेलिंग का ध्यान रखें, ये पी ए टी आई ई एन सी, पेशेंस मतलब क्या होता है, धैर्य, ठीक है। आई हैव नो पेशेंस, आई हैव नो पेशेंस लेफ्ट, मतलब अब मेरे पास धैर्य नहीं बचा टू डील विद, हम उसके साथ डील करने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका नो, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं लगाऊं मोर, तो आई हैव मोर पेशेंस लेफ्ट टू डील विद हिम, ही इज वेरी डिमांडिंग, अगर वो इतना डिमांडिंग है तो मेरे पास और पेशेंस बचा हुआ है, ठीक है, तो ये तो हम नहीं बोलेंगे ना कि हमारे पास और पेशेंस बचा हुआ है, यार हम जब थक जाते हैं, ही इज वेरी डिमांडिंग, मतलब उसकी बहुत मांग है, तो अब हमारे अंदर पेशेंस नहीं बचा क्योंकि हम बहुत दिन से लगे हुए थे, समझ गए ना, ये लॉजिक इसके पीछे है, तो यहां पे नो इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेस्ट सेंटेंस स्टार्टर हमें यूज करना है यहाँ पे, इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड, देखिए वाइल का यूज इस तरीके से नहीं होता है, वाइल इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड, तो ये तो गलत हो जाएगा, हाँ एज इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड, ये सही होगा, ठीक है। अब दूसरा मैं ऑप्शन देखता हूं, जस्ट एज इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड, तो जस्ट एज नहीं आएगा साथ में, ठीक है। फिर क्या इवन दो इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो क्या ऑप्शन है, एज इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल, देखिए बीपीओस, बीपीओस कंपनी होती है एक्चुअली, जो आपकी कॉल सेंटर्स की जो जॉब होते हैं, आपको पता होगा कॉल सेंटर्स की जो जॉब होती है वो आपकी बीपीओस कहलाती है, जो कस्टमर केयर का आपको फोन आता है इस टाइप की जो जॉब होती है वो आपकी बीपीओस जॉब कहलाती है, ठीक है। तो बीपीओस रिमेन डेस अ पॉपुलर चॉइस, अपने आप देखो मुंह से निकला अ पॉपुलर चॉइस, तो ये इज द बेस्ट, ये बेस्ट क्या, ये सही होगा, अ पॉपुलर चॉइस फॉर डैश यंगर जनरेशन, तो यंगर जनरेशन यहां पे एक पूरी जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, पूरी जनरेशन, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरी जनरेशन, पूरी पीढ़ी की बात की जा रही है, कौन सी पीढ़ी, यंगर जनरेशन, तो यहां पे क्या आएगा, द यंगर जनरेशन, एज इट ऑफर्स न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये हो जाएगा ए और द इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, ड्रिंक योर मेडिसिन, अपनी दवाई पियो, यू विल फील मच बेटर, यू विल फील मच बेटर, तो ये बहुत सिंपल है और इसको मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह शेयर जरूर करें, थैंक यू।